हेलो, वेलकम बैक न्यू वीडियो। सो गाइस, मैं लेके आई हूँ आज टिंडे की सब्जी। तो गाइस, टिंडे की सब्जी बनाने के लिए इस तरीके का ये टिंडा आता है, जो लौकी की जैसा होता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं खाने से इसके टिंडे के, क्योंकि हरी सब्जी है। हरी सब्जी खाने से तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं हरी सब्जियाँ। तो गाइस, ये टिंडा बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टिंडे को 2-3 पानी से धो लेंगे, और धोने के बाद इसको अच्छे से काट लेंगे। तो काटने के लिए गैस जो अंदर चाहे तो आप छिलका उतार सकते हैं, या फिर छिलका नहीं भी उतार सकते हैं, जैसा आपको फ्लेवर पसंद हो। तो गैस मैं तो छिलका इसका उतार दूंगी, और छिलका उतारने के बाद इसको बीच से काट लेंगे। तो गैस मिलते हैं टिंडे की सब्जी को काटने के बाद, और बनाएंगे चटपटी मसालेदार सब्जी। तो गैस अगर नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और बताइएगा टिंडे की सब्जी कैसी बनी। सब्जी बनाने के लिए गैस इसको छिलनी ले लेंगे, और इसको इस तरीके से छील लेंगे। छीलने के बाद इसको पहले भी धो लिया था मैंने 2-3 पानी से, धोने के बाद फिर इसको छील के फिर काटेंगे, फिर धोएंगे, क्योंकि हरी सब्जी को समथिंग 4-5 पानी से धोना चाहिए। तो इस तरीके से इसको जब काटेंगे तो इसके अंदर बीज होते हैं, अगर बीज नहीं है तो ठीक है, अगर बीजे अगर हों तो उसको निकाल देते हैं। तो इसमें तो बीज नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है टिंडा अंदर से, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लौकी जैसा होता है, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसको प्याज से भी लोग बनाते हैं, प्याज या हींग जीरे से बनाइएगा, इस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको काट लेंगे। काटने के लिए आप किसी भी आकार में इस तरीके से काट सकते हैं, इस तरीके से बीज से कट लगाएंगे और इस तरीके से काट लेंगे छोटे छोटे पीस में। सो गाइस, इस तरीके से टिंडे को छोटे छोटे पीसों में काट लिए हैं, और काटने के बाद इसको 2-3 पानी से धो लेंगे। इसका चाहे आप तो जो भी शेप कर सकते हैं उस तरीके से काट सकते हैं, जो मैंने तो चौकोर में काट लिए हैं, और चाहे तो लंबे आकार में काट सकते हैं। तो परफेक्ट कट चुके हैं। अब मिलते हैं गाइस इसको टिंडे को धोने के बाद। सो गाइस, टिंडे को 2-3 पानी से धो लिए हैं, और धोने के बाद एक डोलची में रख लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में एक छोटा चमचा ऑयल डालेंगे। हरी सब्जी में गैस ज़्यादा तेल नहीं पड़ता है, तो मैंने सरसों वाला तेल लिया है। तो गैस मैं डाल रही हूँ उसमें एक चुटकी हींग, तो आप चाहें तो प्याज ले सकते हैं, प्याज से अगर बनाना हो तो प्याज भी अवेलेबल है। और प्याज मैंने इसमें नहीं लिया है। इसमें डालेंगे जीरा, और डालेंगे टर्मरिक पाउडर थोड़ा सा, क्वान्टिटी बहुत ही कम, एक चुटकी, क्योंकि हरी सब्जी में गैस ना ही ज़्यादा तेल ज़्यादा अच्छा लगता है, और ना ही लौकी में भी ज़्यादा तेल नहीं अच्छा लगता है। कमेंट बताइएगा, मैं लौकी की रेसिपी दूँगी इसमें डाल देंगे छिले हुए टिंडे, इसको चला देंगे। मिर्च की भी क्वांटिटी इसमें कम रहेगी, क्योंकि हरी सब्जी गाइस मिर्च बहुत ही ज़्यादा कम लेती है, तो मिर्च की क्वांटिटी कम होगी। और स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे, स्वाद अनुसार नमक, और इसमें गरम मसाला नहीं पड़ता है, गरम मसाला से टेस्ट खराब हो जाएगा। और इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून से कम धनिया पाउडर। तो ये हल्के मसाले का बना रही हूँ मैं। अगर प्याज के बनाएंगे तो कमेंट वहाँ बताइएगा, तो मैं प्याज के टिंडे बना के डालूंगी, तो बहुत ही ज़्यादा चटपटे मसालेदार बनते हैं। तो इस तरीके से बना लेंगे। और इसको भूनेंगे, ऐसे फ्राई हो जाएगी। अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें गैस पानी नहीं डालना है, बिल्कुल ऑलरेडी इसमें पानी रहता है। अब इसको ढक देंगे, गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और इसको ढक देंगे। तो ढकने के बाद क्या रहता है, गैस अच्छे से पक जाती है सब्जी, और बहुत ही जल्दी पकेगी, और इसको सिम करके ही गैस पे रखना है। तो गाइस 5 मिनट हो चुके हैं, इसको खोल के देखेंगे, इसको चलाएंगे, इसको दबा के देखेंगे कि ये पका है कि नहीं। तो टिंडा ये पक चुका है इस तरीके से। इसके इसमें गाइस डालेंगे हरा धनिया थोड़ा सा काट के, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और एक हरी मिर्च, क्योंकि मिर्च ऑलरेडी मैं लाल वाली डाल चुकी हूँ, तो बड़े बड़े पीसेस करके डाल देंगे ताकि निकालने में आसानी हो। और इस तरीके से गाइस परफेक्ट टिंडे की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इस तरीके से गाइस आप बना सकते हैं चटपटी मसालेदार। मसाला मैंने थोड़ा सा कम ही डाला है, और इसी तरीके से आप प्याज, इसमें प्याज डाल सकते हैं, प्याज के साथ क्वांटिटी मसाले की थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ा देंगे,
उसमें प्याज के साथ आपको थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करना पड़ेगा, तो आपके ये सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। कमेंट में बताइएगा अगर आपको टिंडे प्याज के अगर चाहिए हो रेसिपी, तो गैस मैं प्याज के टिंडे बना के डाल दूँगी। और गैस प्याज थोड़ा कम इस्तेमाल किया है इसमें, तो इसमें तो प्याज ऑलरेडी है ही नहीं क्योंकि मैंने हिंग जीरे से बनाई है। अब गैस बनकर तैयार हो गई है, इसको सर्व कर लेते हैं। गैस को ऑफ कर देंगे। तो गाइस टिंडे की सब्जी बनकर परफेक्ट तैयार हो गई है। इस तरीके से आप बना सकते हैं टिंडे की सब्जी और खाइएगा पराठे के साथ, चाहे तो दाल के साथ। तो आपको गाइस टिंडे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नए हैं गाइस मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कम्युनिटी ऑप्शन में मेरा एक नया चैनल है जो शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी जाकर मेरे चैनल को देखिएगा और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और खाइएगा चटपटी मसालेदार टिंडे की सब्जी। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अच्छी लगी हो सब्जी तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मेरे को कमेंट का इंतजार रहेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।